मेरा दिल ये पुकारे खा जाओ खा जा। टी 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 अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं अलमाजे शनवारी जा रहा हूँ, जो कि PIA रोड बाबडा टाउन में है। ये जो है ये अल नखल वालों का ही एक रेस्टोरेंट है। अल नखल एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है लाहौर का, शौकत खानम के बिल्कुल अपोजिट साइड पे। अलमाजे शनवारी की खास चीज ये है कि जब से ये रेस्टोरेंट खुला है ना, मेरे ख्याल से इसको 2-3 साल तो हो गए हैं, तब से इन लोगों का 50% ऑफ है, जहां तक मेरा ख्याल है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं कम से कम साल भर से तो देख रहा हूँ कि इनका अपने कंप्लीट मेन्यू पे 50% ऑफ होता है। बेसिकली उन्होंने किया क्या हुआ है कि उन्होंने प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ाई हुई है, और मेन्यू आप देखते हैं तो ऐसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा प्राइस है, लेकिन असल में उस पर 50% ऑफ है। ये बेसिकली उनकी कह लें कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं है। तो चले आए, चलते हैं, आपको उसके बारे में बताते हैं कि ये कैसा रेस्टोरेंट है, एम्बियंस कैसा है, टेस्ट कैसा है, और वैल्यू फॉर मनी कैसी है। इंडोर सिटिंग नहीं है, और इनका जो आउटडोर सिटिंग है ना, उसकी एम्बियंस आप कह लें कि 7/10 है। ऑल दो पर्सनली मैं आउटडोर सिटिंग को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मुझे इंडोर सिटिंग ही पसंद है, ठीक है। लेकिन अगर आउटडोर के हिसाब से कहें तो सही था माहौल। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वीडियो में लाइन्स क्यों आ रही हैं, तो ये बेसिकली फ्लोरिसेंट लाइट्स की वजह से होता है, कैमरे में कोई मसला नहीं था। अच्छा, तो जी ये है इनका मेन्यू जिसपे 50% ऑफ लगा हुआ है, जो कि हर वक्त ही लगा रहता है। मैंने इनका 2% वाला प्लेटर मंगवाया था, जिसकी प्राइस 3995 थी, और आफ्टर डिस्काउंट आप कह रहे हैं कि 2000 थी। जो प्लेटर मैंने मंगवाया था उसमें एक पाव चप्पल कबाब थे, एक पाव चिकन टिक्का बोटी थी, एक पाव चिकन शीश टॉक था, एक पाव चिकन मलाई बोटी थी, एक पाव चिकन कबाब थे, एक पाव काबली पुलाव था, एक रायता था, और एक अफगानी चटनी थी। उसके साथ मैंने अलग से कंधारी नान मंगवाया था, जो इस टाइम बोटियों को और सब्जियों को बारबेक्यू किया जा रहा है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैं दोबारा वापस गया बारबेक्यू स्टेशन पे, ताकि मैं देख सकूं कि क्या प्रोग्रेस हुआ है।
अब अगर इसके टेस्ट की बात की जाए ना तो बारबेक्यू अच्छा था, जबकि राइस में थोड़ी कसर थी। मेरे ख्याल से राइस बासी थे इसलिए उनका इतना मज़ा नहीं आया। चटनियाँ जो थी वो रायता और साथ एक टमाटर की चटनी थी जो कि मज़ेदार थी, और बाकी कंधारी नान भी सही था। बस चावलों में कसर की वजह से ना मुझे ज़रा मज़ा नहीं आया, बाकी ओवरऑल बाकी चीज़ों का काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा था, एम्बियंस भी सही था, लेकिन सिर्फ एक राइस ने ना थोड़ा काम ख़राब कर दिया था। और अगर टोटल बिल की बात की जाए तो वो 25-27 बना था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।